ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन जानवी ठाकरे। थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स, टीचर्स, आप सभी की वजह से ही मैं आज इस मुकाम पे पहुंच पाई हूँ। आप सभी ने इतना जो मुझे सपोर्ट किया, मुझे हर चीज में आगे बढ़ाया, मेरा हौसला बढ़ाया, आज आप सभी की वजह से ही मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला और मैं इतनी अच्छी पढ़ाई कर पाई। मैं सभी फ्रेंड्स को यही बोलूंगी, अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो अपने मन का आत्मविश्वास कभी कम मत कीजिएगा, और जब भी पढ़ाई करते हो तब खुद को कम मत समझिए कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे ये करना है यही समझ के करिए। और कभी पढ़ाई का प्रेशर मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रेशर लेंगे तो वो कभी आपसे फ्रेंडशिप नहीं कर पाएगा। पढ़ाई में अगर आगे बढ़ना है तो उससे फ्रेंडशिप करना आपके लिए बहुत जरूरी है। वेरी गुड जानवी, मुझे बताओ आपको स्कूल के तरफ से सबसे बेहतरीन क्या मिला, क्योंकि आप हमारे स्कूल में कक्षा पहली से पढ़ रही हो, जबकि आप हिंदी भाषी को, हमारे स्कूल पूरी तरह से मराठी भाषी है, तभी भी आपने आज मेरिट लिस्ट में बल्कि सिर्फ 2% रहे 100 out of 100 के लिए, तो आपको स्कूल के लिए क्या कहना चाहोगी? स्कूल मतलब बहुत प्यारी है मेरे लिए। स्कूल सबको रहते हैं, और क्या है उसकी खासियत बात? ये स्कूल ने सिर्फ मुझे पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ाया, तो हर चीज में, आज भी जो बोलने की स्किल हो या फिर दूसरी स्किल जैसे की ड्रॉइंग, कुछ क्राफ्टिंग या कोई गाना गाना, या फिर हर चीज में सर टीचर ने सपोर्ट किया है। वो हर चीज में हौसला बढ़ाते हैं, हर चीज में, मतलब कैसे बच्चे और अच्छे बन पाएंगे, अगर आपको पढ़ाई नहीं आ रही है तो आप ये कर सकते हो, स्पोर्ट में आगे बढ़ सकते हो, कुछ बोलने की सपनी कला बढ़ा सकते हो, गाने में बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। ये सभी प्रकार की स्किल्स हमने हमारे टीचर ने सिखाई है। मुझे मेरे स्कूल ने जो बोलने की स्किल दी है वो मुझे बहुत ही प्यारी है। अच्छा जानवी, मुझे बताओ कि आपसे अभी जो जूनियर्स है, यानी क्लास 1 से लेके क्लास 9 तक, उनके लिए आप क्या बोलोगे, क्या कहना चाहोगे आप? मैं उनको भी यही कहना चाहूंगी कि आपको भी ऐसी ही पढ़ाई करनी है, आपको भी हमारे स्कूल का इसी तरह नाम रोशन करना है, ताकि हमेशा हमारा स्कूल इस महाराष्ट्र में छाया रहे। महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे नागपुर में, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में छाए। और इसलिए अपनी पढ़ाई से फ्रेंडशिप करना सीख लो आप, अगर ये सीख लिया तो आपके लिए कोई भी चीज करना मुश्किल नहीं है। और उनको पढ़ाई के लिए कुछ एक दो टिप्स आपके तरफ से, जैसे आपने इतने अच्छे परसेंट लिए, तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि पढ़ाई करते समय नोट्स बनाए, जो सर टीचर बताते हैं उन्हें कुछ नोट्स बना के शॉर्ट टर्म में से लिख के रखे, कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको बार बार पढ़े, मतलब वो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और ऐसे पढ़ाई का प्रेशर तो कोई मत लीजिएगा, जो चीज नहीं समझ में आती है उसके पीछे भिड़िए, उससे दोस्ती करने की कोशिश कीजिए, वो आपसे जरूर दोस्ती करेंगे और आपको वो चीज जरूर समझेंगे। वेरी गुड, थैंक यू वंस अगेन, कांग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली। नमस्ते जी, आप कुछ बोलना चाहोगे? सर बस मैं आपके गुरुजनों का बहुत आभारी हूँ कि आपके, यानी पहली से लेके टेंथ तक, यानी पहली से लेके दसवीं तक, आपके नवभारत स्कूल का टीचर स्टाफ का, प्रिंसिपल का, मैडम लोगों का जो मार्गदर्शन रहा, जो उनका गाइड, एजुकेशन देने का तरीका बहुत अच्छा है, इसी वजह से आज इस नंबर पे लड़की पहुंची हुई है। ये अनेक गुरुजनों का ही योगदान है, और आप लोगों का, हमारा आशीर्वाद से लड़की आज यहाँ पहुंची है। बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। आपको क्या लगता है जी? मला पण शाळेबद्दल खूप हे वाटत आहे, कारण मी शाळेने पहिल्यापासून तिला एकदम मॅडम वगैरे सगळ्यांचा सपोर्ट आहे, आणि तिला शाळेविषयी बहुत चांगला आहे, तर धन्यवाद। आज तुम्हाला खूप आनंद होत असेल या क्षणाचा, अर्थातच तिने एक अतिशय उंच गगन भरारी मारलेली आहे। मला एक शेवटचा प्रश्न जानवी तुला विचारायचा आहे, पुढे तुझ्या मनात काय आहे बनण्याचं, काय स्वप्न बघितलंय तू? मला IAS बनायचं आहे। व्हेरी गुड, आम्ही आज तुझं प्रेडिक्शन टेस्ट करत होतो की IAS, पण माझं म्हणणं राहील की त्या गोष्टीची तयारी आजपासूनच करायची, अर्थात बाकीच्या सगळ्या गोष्टीला तुझं तर फ्रेंडशिप राहणारच आहे, आणि त्या पुढच्या वाटचालीसाठी आमच्या सर्व नवभारत परिवाराकडनं, आमच्या सचिव साहेबांपासनं, मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यापासनं तुला खूप साऱ्या शुभेच्छा। धन्यवाद।